हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं एनर्जी मीटर का वीडियो। इस वीडियो में हम आपको पूरा टोटल ओपन करके एनर्जी मीटर के बारे में दिखाएंगे। ये सब मीटर है। कहीं भी जैसे हम रूम को भाड़े पे देते हैं, अपने किसी घर को भाड़े पे देते हैं, तो उस कमरे में इसको लगा दिया जाता है ताकि ये हमें पता चले कि जो भाड़े पे जो भी व्यक्ति रह रहा है वो कितना सप्लाई यूज कर रहा है। ये हमारा ढक्कन खुल चुका है, ये स्क्रू ओपन करके इसके बाद हम अंदर प्रवेश करेंगे। ये ऊपर का प्लेट है हमारा जो अब निकल चुका है। अब नीचे आप देख रहे हैं, एक मीटर दिख रहा है और एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेट दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉनिक प्लेट है हमारे हाथ में, जिसमें 4 LED लगा हुआ है, ये ग्रीन कलर की और 3 रेड कलर में जलती है जो कि वाइट में है। और ये हमारा फेज का जो वायर है, फेज के कनेक्शन में एक कॉयल है जो फेज का कनेक्शन उसके अंदर से होके जाता है। देखिए, यहाँ से हमारा फेज प्रवेश करता है और कॉयल से होते हुए इस तरफ एकदम राइट साइड में आ जाता है। और ये हमारा न्यूट्रल का हिस्सा है जो कि कॉमन है। ये हमारा न्यूट्रल हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक प्लेट हो गया और ये हमारा मीटर हो गया। अब हम मीटर को भी ओपन करके दिखाएंगे। ये देखिए, कॉयल यही है हमारा जो कि इसके अंदर से हमारा फेज गुजरता है और ये हमें बताता है कि हमारा सप्लाई कितने वाट को खा के चल रही है। और इस इलेक्ट्रॉनिक प्लेट की मदद से यहाँ पे हमारा मीटर चलता है। मीटर में राइट साइड में कॉयल है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है और उतनी तेज़ी से हमारा मीटर रन करता है दोस्तों। तो आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी आपकी समस्या होगी इलेक्ट्रिसिटी को लेके, उसको आप यहाँ से आसानी से जान सकते हैं दोस्तों। कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।